अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज जी फाइव के साथ बिल्कुल फ्री। चलो अंदर बैठे जा। रुक क्या? ओ मैडम किथे हैं? मैं यहाँ पे हूँ, बोलो क्या बात है? ये दोनों कौन है? ओ मैडम जी, ये दोनों पागल शागल हैं और मेरा ना बात दिमाग खराब कर देता। ओ हुर तुसी संभालो जी। मैं पागल हूँ, ये पागल है, सबको ऑपरेशन करता रहता है। आप कौन है? ओ नमस्ते जी, मैं इसका फिक्र मत करो, तुम्हारी भाभी जरूर घर आएगी। थैंक यू सो मच सर। जाओ जी। तुमने सुना ना करिश्मा, मतलब आप मेरी चिंता नहीं समझेंगे। लक्ष्मी ने जो इतना बड़ा रिस्की काम किया है भाई, वो चिंता तुम्हारी, तुम्हारी चिंता इसकी। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी चिंता, पर क्या है ना, हमने भी बचपन में ऐसे कई सारे रिस्की काम किए हैं जाने अनजाने में, क्यों माँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम। I think you are sad, bad and mad. बीमार हो तुम। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस ऑपरेशन करना पड़ेगा। लाओ इधर। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या बकवास है ये? मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। ओ कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पागल ही हो गया है तू। पागल होगा तू? तूने सुना नहीं, उसके पेट में दर्द हो रहा है, हाथ काटने पड़ेंगे, हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तो ये ठीक होगी। I'll do it for you, I'll do it. कोई ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, पेट में चूहे है तो इसको चूहे मारने की दवाई खिला देते, चूहे सारे निकल जाएंगे, सारे मर जाएंगे। ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जाओ जाओ तुम उसको पकड़ो, मैं दवाई लेके आता हूँ। इधर give it to me. रजिस्टर साइड में रख और जल्दी आकर मुझे यहाँ पे बचा। सुना नहीं इन दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ए इधर, ज्यादा चम्मच लेके डॉक्टर ना बनो तुम, समझे? हटो छोड़ो। ओ बहुत हो गया, तुम हटो, बचो, हटो। इलाज कर रहे हैं ना? इलाज क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, इलाज करना नहीं। ठीक ही तो नहीं है फाजी, तुम भी मुझे सैड मैड एंड बैड लग रहे हो, तुम्हारा भी ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अरे यार बहुत बड़े पागल इंसान हो तुम। ये आहा, शी इज गॉन, इट्स ऑपरेशन टाइम। I see you. Get out, Ray. Hey, come on. और इसने बचपन में एक बार गैस ऑन करके छोड़ गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी टाइम पर आ गए और उन्होंने बंद कर दी, वरना कुछ भी हो सकता था। पर हमने तुम्हें पागल खाने नहीं भेजा। मॉम प्लीज, क्या बोले जा रही हो आप? और ये क्या एग्जांपल्स दे रही हो आप? तब मैं बच्ची थी, मुझ में समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझ में समझ है। और क्या मैं कोई ऐसी हरकत करूंगी कि इस घर को, इस फैमिली को कोई नुकसान पहुंचेगा? करूंगी तो कर रही है, ऑलरेडी कर रही है तू। क्या कह रही है कि मैं लक्ष्मी की तरह बच्ची बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं? करिश्मा, कितनी बार कहा है लक्ष्मी पागल नहीं है। ये वार्ड बॉय और नर्स कहाँ गए? कहाँ गए? इनको भागने देते ना। तुम्हारा ऑपरेशन करने दो, तुम देखो तुम्हारे पेट में जो चूहे है उसको मैं दवाई खिला के मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हारे पैर का ऑपरेशन करके सारे चूहे निकाल दूंगा। अरे लेकिन चूहे तो पेट में भरेंगे ना, वो पैर क्यों काटना है? देखा मेरा ट्रिक काम आ गया ना, मतलब तुम एडमिट करती हो तुम्हारे पेट में चूहे है। अरे चूहे तो मेरे पेट में दौड़ रहे हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से इतना भगा दिया अलग से। एक मिनट, मतलब तुम्हारे पेट में चूहे है, उसके पेट में चूहे नहीं है, इसलिए इसको ऑपरेशन करो। चुप, अब कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, समझे? तुम लोग बहुत बड़े वाले पागल हो। वाह भाई,
अभी मॉम मुझे पागल कह रही थी तब तो आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और अब रहने दीजिए मॉम। और क्या नुकसान किया है मैंने? सिंपल बात है ना मॉम, मैं समझदार हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, और मुझे पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उस लक्ष्मी को कुछ भी नहीं पता है, कुछ समझ नहीं है उसे। और मुझे कह रही है मॉम कि मैं इस घर का नुकसान कर रही हूँ। मैं इस घर का क्या नुकसान कर रही हूँ? लक्ष्मी को पागल खाने भेजने की जो स्कीम है ना तुम्हारी, वो इस घर के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तुम और नीलम तो दोनों हाथ धो के पीछे पड़ गई हो कि लक्ष्मी को पागल खाने भेजना है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा नुकसान होगा इस घर का, इस परिवार का। For God's sake, Mom, कभी तो हम दोनों को सही मानिए, समझने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट मुझे नहीं तो नीलम भाभी को, और नीलम भाभी तो चाहती हैं कि लक्ष्मी ठीक हो जाए, तभी तो वो उसका इलाज करवाना चाहती है, इसमें नुकसान क्या है? तू ना रहने ही दे, नहीं समझा सकती मैं, मतलब समझदार को कौन समझा सकता है? नहीं नहीं, समझदार क्यों, हम तो पागल है ना, क्योंकि आपकी नजर में होशियार तो सिर्फ एक ही है, वो आपकी प्यारी, आपकी लाडली लक्ष्मी। या यू सेड इट, अब जब वो बच्ची है तब भी वही होशियार है, जब बड़ी होगी तब भी वही होशियार है। भाई फॉरगेट इट, मुझे आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि इस बहस का ना कोई फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल तो ना मुझे ऋषि की चिंता हो रही है, वो अब तक घर वापस नहीं आया, वो कहीं पागल खाने में जाकर ही तो नहीं बैठ गया। यू सेड इट, ऋषि लक्ष्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, वो भी यही चाहता है। What? You mean, ऋषि वहां है, उसके पास? हाँ, ऋषि लक्ष्मी को लेने गया है और उसे साथ लेकर ही लौटेगा, और मैं भी चाहती हूँ कि जब ऋषि घर वापस आए तो उसके साथ उसकी लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी, इस परिवार की लक्ष्मी हो। मैं फोन ट्राई करता हूँ। हाँ पटक दूंगा, हम जाएगा सर, फिर हो जाएगा ऑपरेशन, समझे? पागल कहीं के? नहीं, पागल? आ, ऐसे नहीं मानेगा, he's a mad boy, mad boy. तेरे को तो मैं अभी ठीक करता हूँ, रख, 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 रख। अच्छा बेटा, तुम तो बहुत बड़े वाले पागल हो यार, मतलब गोटी वोटी सब साथ में लेके चलते हो। फिर पागल बोला, you are ridiculous, stupid, you're a mad, mad boy. I'm not a पागल, मैं डॉक्टर हूँ, आंखों का डॉक्टर, आंखें खराब होती है तो कंचा डाल देता हूँ, आंखें ठीक होती है तो ये छक्का मार देता हूँ। वाह, छक्का! How was that? 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 Not out. Not out. Oh shit, not out. अरे मैडम, ये लोग सच में बहुत बड़े वाले पागल हैं, हमने आज तक इनसे बड़े पागल देखे नहीं दुनिया में। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।